नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौमांतरी महिला दिवस की पूर्व संध्या ते सारे नागरिकां खास करके औरतां नूं दित्तियां शुभकामनावां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम उज्ज्वला योजना तहत मिलण वाली सबसिडी नूं एक साल लई वधाया। उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों नूं हर साल 12 सिलेंडर मिलते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में 6,400 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टों की की शुरुआत। कहा कि यह नवा जम्मू कश्मीर है जिसकी दहाकियों तो उड़ीक की जा रही सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने देशव्यापी मुहिम के हिस्से वजो आरबीआई एसओ 2021 नूं कीता लॉन्च। धर्मशाला टेस्ट मैच च इंग्लैंड की पहली पारी 218 दौड़ा ते सिमटी। भारत ने दिन का खेड खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान ते 135 दौड़ा बनाईया। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौमांतरी महिला दिवस की पूर्व संध्या से सारे नागरिकां खास करके औरतों को शुभकामनावां दित्तियां ने। यह दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह दिन लिंग समानता ते औरतों के अधिकारों बारे जागरूकता वधाउण ते औरतों की प्राप्तियों को मानता देने के यत्नों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह दिन औरतों को बराबर के मौके प्रदान करन ते जीवन के हर खेत्र में उन्होंने सशक्तिकरण की लोड़ ते जोर देने का भी एक मौका है। राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा समय भी औरतों को कई चुनौतियों का सामना करना पैंदा है जिन्हां नूं हल करन दी लोड़ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अजोके समय विच औरतां विज्ञान तो लैके टेक्नोलॉजी, दवाई, पुलाड़, हथियारबंद सेनावां अते खेडां तक दे वख-वख खेत्रां विच नवें मियार कायम कर रही ने। उन्हां कहा कि इस दी झलक इस साल दी गणतंत्र दिवस परेड दौरान महिला सशक्तिकरण अते अगवाई दे शानदार प्रदर्शन राहीं देखण नूं मिली। केंद्रीय वनज ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने नवी दिल्ली च केंद्रीय कैबिनेट वल्लों लए गए फैसलियां बारे पत्रकारां नाल जानकारी सांझी कीती। उन्होंने दस्या कि 6 विषयां ते कैबिनेट ने अहम फैसले लए ने। पीएम उज्ज्वला योजना तहत मिलण वाली 300 रुपए की सबसिडी नूं एक साल लई वधा दिता गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों नूं हुण 31 मार्च 2025 तक सबसिडी मिलती रहेगी। पीयूष गोयल ने दस्या कि इस नाल तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार ते पवेगा। हर साल 12 सिलेंडर लाभार्थी उज्ज्वला स्कीम तहत 603 रुपए की कीमत हासिल कर सकेंगे। आज प्रमुखतः 6 विषयों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। सबसे पहले तो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे। केंद्रीय मंत्री ने दस्या कि 10,000 करोड़ रुपए की पूंजीकारी नाल भारत मनसुई बुद्धिमता प्रोग्राम नूं मंजूरी दी गई है। इस दे लई इंडिया एआई सेंटर भी बनाए जाणगे। इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है और इस एआई मिशन के क्रियान्वयन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है, उसको और बल देने के लिए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आर्टिफिशियल।
पीयूष गोयल ने दसिया कि कच्चे जूट दियां कीमतां दी एमएसपी विच 5.6% दा वाधा कीता गया है, जिस नाल हुण जूट दा घटो घट समर्थन मुल वध के 5,335 रुपए हो जाएगा। पिछले 10 साल दौरान जूट दे एमएसपी विच 122% दा वाधा दर्ज कीता गया है। इस नाल भविख विच 40 लाख जूट किसानां नूं लाभ मिलेगा। जूट के कीमतों में और पिछले 10 वर्ष को अगर देखें तो लगभग 122% वृद्धि जूट के एमएसपी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में की गई है, जो लगभग 3,000 रुपए की वृद्धि है आज से 10 साल पहले। पूर्वांचल के 8 सूबों में उन्नति 2024 योजना को मंजूरी दी गई है। सन्नता 10,000 करोड़ रुपए सरकार प्रोत्साहन के तौर पर देवेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में 6,400 करोड़ रुपए की विकास प्रोजेक्टा की शुरुआत की, नवे प्रोजेक्टा की नींह पत्थर भी रखे। इस मौके बोलदिया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास सरकार की सब तो वड्डी तरजीह है। प्रधानमंत्री ने दसिया कि 285 ब्लाकों की 1 लाख तो वध लोग इस प्रोग्राम नाल निजी तौर पर वर्चुअल ढंग नाल जुड़े ने। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद करदिया कहा कि यह नवा जम्मू कश्मीर है जिसकी असी दहाकों तो उड़ीक कर रहे। कि यह नवा जम्मू कश्मीर है जिस लई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान कुर्बान कर दी सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नवे जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविख है। उन्होंने कहा कि उतों के लोगों के चेहरे को खुश देख के 140 करोड़ लोग संतुष्ट महसूस कर रहे ने। धरती के स्वर्ग पर आने का यह एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना तहत 6 प्रोजेक्ट राष्ट्र नूं समर्पित किए गए ने। इस तो इलावा इस योजना का अगला पड़ाव भी शुरू किया गया है, जिस तहत तकरीबन 30 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर ते देश दीआं होरनां थावां ते शुरू किए जाणगे। राज्यसभा मैंबर ते चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने पहली बार वोट पाउण दे हक की वरतों करन वाले नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं जागरूक करन दे मंतव नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों शुरू की गई मुहिम मेरा पहला वोट देश दे लई दी शलाघा कीती। सतनाम सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच अनुसार भारत नूं मजबूत ते प्रगतिशील लोकतंत्र बनाउण लई वोटिंग एक अहम उपराला है। उन्होंने कहा कि यह युवा शक्ति ही है जिहड़ी भारत नूं विकसित बना सकती है। मेरा पहला वोट मेरे देश ले, फर्स्ट टाइम वोटर वास्ते साडे देश दे माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वल्लों दित्ता गया यह स्लोगन बहुत अहमियत रखता है। मैं देश दे नौजवानां नूं खास करके पंजाब दे नौजवानां नूं बेनती करूंगा जिहड़े फर्स्ट टाइम वोट करनगे वह देश की मजबूती दे वास्ते देश दे भविख दे वास्ते वोट जरूर करन। पहला वोट देश लई और ये प्रधानमंत्री जी का कहना विकसित भारत का सपना साकार करने दे विच एक वड्डी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा अते विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी दिल्ली विच खाद दी नमूने दी जांच लई एक सोदिया सोयल हेल्थ कार्ड पोर्टल अते मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कीती। इस मौके नवे सोयल हेल्थ प्रोग्राम अते सेंटर फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दा पोर्टल भी लॉन्च कीता गया। दोवां केंद्रीय मंत्रियां ने कृषि सखी अडोप्टेशन प्रोग्राम का उद्घाटन भी किया। यह खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्रालय अते पेंडू विकास मंत्रालय की सांझी पहल है। मुंडा ने कहा कि इन्हां पहलकदमियां का मंतव दूर दराडे के खेतरां विच भी किसानों नूं लाभ पहुंचाना अते उन्हां नूं आसानी नाल खेती करन दे योग बनाउणा है। उन्होंने कहा कि जे किसानों नूं अजिहियां सारियां सहूलतां मुहैया करवाईआं जाण तां उह अपने अते देश दे विकास लई अहम योगदान पाउणगे। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि सरकार सहकारिता अधिकारित भारत दे निर्माण लई सहयोग राही खुशहाली दे मूल मंत्र नाले उपराले कर रही है।
वंदे भारत ट्रेन हुण पठानकोट विच वी रुकेगी, जिस नाल पठानकोट दे नाल नाल हिमाचल अते जम्मू कश्मीर दे लोकां नूं फायदा होवेगा। पठानकोट तो दिल्ली तक दा सफर हुण 8 घंटे दी थां ते सिर्फ 5 घंटे विच पूरा हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन अज पहली बार पठानकोट च रुकी। पठानकोट च सवेरे 11:10 ते पहुंची। ए ट्रेन 2 मिनट दे ठहराव तो बाद जम्मू लई रवाना हो गई। भारत सरकार दे इस फैसले तो लोग काफी खुश ने ते उन्हां कहा कि इस नाल जिथे आम लोगों नूं फायदा होवेगा उथे व्यापारियों का भी समा बचेगा, क्यों जो इस नाल व्यापारी दिल्ली या जम्मू विच अपना काम वेले सिर पूरा करके वापस परत सकनगे। नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा देश में काम किए ने और पठानकोट वासियों लिए एक बड़ा बड़ा तोहफा दिता है कि जी बंदे मातरम का इतने स्टॉपेज नहीं सी वो इतने स्टॉपेज कर देता है। साढ़े लिए अजय खुशी का दिहाड़ा इस करके है कि असी एक ट्रेन मांग रहे थे, सू दो स्टॉपेज मिल गए क्योंकि मैं जोड़ा कठुआ उ अपने बंदे भारत का पठानकोट का हिस्सा समझदा तो इतने जी बंदे भारत दिती है ये पठानकोट के लोगों हिमाचल के लोगों पुजना आसान हो जाएगा और ये नरेंद्र भाई मोदी का विकसित भारत जोड़ा है ये वाल बदते हुए कदम ने। उपराष्ट्रपति अते पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ के चांसलर जगदीप धनखड़ यूनीवर्सिटी के 71वें डिग्री वंड समागम विच मुख मेहमान के तौर पर शामिल हुए। यूनीवर्सिटी के ऑडिटोरियम विच समागम हुण तो थोड़ी देर पहला मुकम्मल होया। उपराष्ट्रपति वख-वख विषयां के विद्यार्थियों डिग्रियां ते शलाघायोग प्रदर्शन करन वालियां नूं तबगे अते सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस मौके उपराष्ट्रपति ने सिक्ख्या के खेत्र विच पंजाब यूनीवर्सिटी के योगदान की शलाघा की। उन्हां डिग्री हासिल करन वाले विद्यार्थियों नूं देश के विकास विच अपना बनदा योगदान देने का सद्दा भी दिता। भारतीय रिजर्व बैंक देशव्यापी मुहिम के हिस्से वजो RBI SO 2021 नूं लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआत नियमित इकाइयां नाल नजिठण वाले लोगों दी शिकायतां नूं दूर करन ते किसी भी किस्म की धोखाधड़ी पैसे नाल संबंधित हेराफेरी नूं रोकण दे मंतव नाल कीती गई। इस तहत बैंकिंग गैर बैंकिंग मालिया कंपनियां भुगतान प्रणाली भागीदार अते क्रेडिट जानकारी कंपनियां शामिल ने। चंडीगढ़ विखे RBI अबस्टम चंडीगढ़ राजीव द्विवेदी वालों पत्रकारों नाल गलबात की। उन्हां रिजर्व बैंक वालों लोगों नूं जागरूक करने लई चुके गए कदमों की जानकारी सांझी की। द्वारा दिए जाने वाली किसी भी सेवा से असंतुष्ट है तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस स्कीम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतकर्ताओं को जिस संस्था से वे सेवा प्राप्त कर रहे हैं उनको 30 दिन का समय देना होगा। अगर 30 दिन के भीतर उस संस्था से उनको जवाब नहीं मिला है या उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं है तो भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस शिकायत को दर्ज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पोर्टल cms.rbi.org.in का प्रयोग किया जा सकता है। या सूबे भर में 9 मार्च तो 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। समाजिक सुरक्षा स्त्री ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दसिया है कि पोषण पखवाड़ा कुपोषण के वध शिकार ते अंशक तौर ते कुपोषण के शिकार बच्चों की सेहत अते तंदुरुस्ती ते ध्यान केंद्रित करने नाल संबंधित है। पोषण पखवाड़ा गर्भवती औरतां दुध चंगाऊ वालियां मावां किशोर लड़कियां अते 6 साल तो घट उम्र के बच्चों विच पोषण संबंधी नतीजिया नूं पूर्ण रूप विच बेहतर बनाउण दा यतन करदा है। डॉक्टर बलजीत कौर ने दसिया कि इस मुहिम नूं वड्डे पद्धर ते चलाउण लई वख-वख विभागां दीआं सेवावां लईआं जाणगीआं। चोन कमिशन वालों वख-वख हुकमां राही पंजाब विधानसभा चोणां 2022 दीआं चोणां लड़न वाले 7 उम्मीदवारां नूं आयोग ऐलानिया गया है। पंजाब दे मुख चोन अधिकारी सिबन सी ने दसिया है कि उन्हां उम्मीदवारां ने लोक प्रतिनिधि एक्ट 1951 दे सैक्शन 78 अनुसार निश्चित सीमा अंदर अपने चोन खर्चे का वेरवा कमिशन कोल जमा नहीं करवाया, जिसके चलदियां अगले 3 साल तक इन्हां उम्मीदवारां नूं चोन लड़न तो आयोग करा दिता गया है। जिन्हां 7 उम्मीदवारां नूं आयोग ऐलानिया गया है उन्हां च मलेरकोटला ते फाजिलका जिलों के 2-2 ते मानसा जिले के 3 उम्मीदवार शामिल ने।
चंडीगढ़ की प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दसिया कि चंडीगढ़ स्वच्छ सर्वेखण दो साल दौरान 66वें तो 11वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चंडीगढ़ अगले 5 साल शिखर से होगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ वाटर मैनेजमेंट में देश की सर्वोत्तम शहरी स्थानिक संस्था है। स्कूल सिक्ख्या देश के पहले नंबर पर है। इस तो इलावा अपराधा काबू करने के मामले में भी चंडीगढ़ पहले नंबर पर है। स्वच्छता का सर्वेक्षण होता है, उसमें 66वें रैंक से हमने आके आने के बाद में इसी के पीछे रहे, ऑफिसर्स को सबको एग्जॉर्ट किया तो 11th रैंक पे तो आ गया। मतलब 66वें रैंक से 11वें रैंक पर आया। एंड आई प्रोमिस कि जल्दी दो साल के अंदर फर्स्ट फाइव में आ जाएगा। भारत ते इंग्लैंड विचाले खेडी जा रही मौजूदा 5 टेस्ट मैचों की लड़ी का आखिरी मैच धर्मशाला विच खेडिया जा रहा है। पहले दिन की खेड खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान से 135 दौड़ा बना लिया सन। रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 26 दौड़ा बना के क्रीज से डटे हुए सन। यत्सवी जसवाल 57 दौड़ा बना के आउट होया। इस तो पहला टास्क जीत के पहला बल्लेबाजी करद इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 56 ओवरां ते 4 गेंदा विच 218 दौड़ा बना के आल आउट हो गई। भारत वालों कुलदीप यादव ने 72 दौड़ा देके 5, आर अश्विन ने 51 दौड़ा देके 4 अते रविंदर जडेजा ने 17 दौड़ा देके 1 खिडारी नु आउट किया। इंग्लैंड वालों सलामी बल्लेबाज जेक राले ने सब तो वध 79 दौड़ा जोड़िया। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNUDDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते भी देख सकते ने। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया, दिवा गया, नमस्कार।